करपात्री जी महाराज द्वारा शुरू किया गया आंदोलन आज मुकाम पा गया। गाय भैंस ऊंट जैसे बड़े जानवरों के वध निषेध का कानून आ गया। अब किसान ही कर पाएगा खरीदी जानवरों के मेले से या अकेले से, और किसानी के लिए ही होगा उपयोग। चलो मिटा कलंक और रोग, बहुत बेजुबान गए मारे बहुत बहा खून। चलो बंद हुआ अब यह जुनून। लोग मरुस्थल में रहते थे या रहते थे जंगल में, तो करते थे शिकार, अब इतने तरह के फल सब्जी, भर लो पेट चाहे जिस प्रकार। एक गांव में बड़े पशुओं को मरने पर देते हैं समाधि, 3 फीट नीचे नमक के साथ देते हैं गार, इससे हो जाती है बहुत ही अच्छी खाद तैयार। जहां डालो बहुत अच्छी फसल आती, इतनी मजबूत कि तुषार आदि की चिंता नहीं सताती। चलो हम जंगली अब न रहे सब मेलिया कहें, कहते हैं जैसा हम खाते वैसे विचार हैं आते, हिंसक सोच से आज आदमी हैं घबराते। एक सज्जन कहने लगे अनुपयोगी बूढ़े जानवर कहाँ जाएंगे, तो मैंने पूछा कि अनुपयोगी बूढ़े माँ बाप को क्या मार खाएंगे। अभी ऐसे तर्क लेकर व्यापारी करेंगे विरोध, पर मेरा उनसे है अनुरोध, धंधा बदल लो, मांस की जगह दूध घी मलाई मक्खन का करो निर्यात। यह होगी एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत। बदलाव का दौर है अब, वह है सत्ता में जिसकी निगाह में हर कमजोर है। किस तरह गरीब कमजोर को दे सहारा, जिन्हें लोगों ने सताया मारा। तो भाई मांस छोड़ दूध दही शाक भाजी से करो गुजारा। बड़े जानवर मारने पर अब रोक है, बकरा मुर्गी खाओ अगर इतना ही शौक है। कहते हैं कभी इस धरती पर दूध दही की नदियां बहती थी, खा पी कर आबादी स्वस्थ और मस्त रहती थी। चलो फिर उस ओर चलें, मजबूत तो साथ कमजोर पलें। बेजुबानों को चलो बहुत दिनों बाद मिला न्याय, मोदी जी आप एक और सकारात्मक बदलाव लाए, मोदी जी आप एक और सकारात्मक बदलाव लाए। करपात्री जी महाराज द्वारा शुरू